HMS Online, a step forward to spread the knowledge. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस. फर्स्ट चैप्टर में है सब्सटेंसेस वाला टॉपिक. तो उसमें कंपाउंड्स एंड मिक्सचर दो क्लासिफिकेशन आती है. तो ये कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और एटम्स केमिकली कंबाइंड टू और मोर एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइंड होते हैं उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है. तो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो सब चीज बनती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड. और सबसे मेन पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है कि जी इन अ फिक्स रेशियो. जब कोई से दो एलिमेंट्स या कोई से दो एटम्स या दो से ज्यादा जितने भी दो या दो से ज्यादा एटम्स एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्शन हो उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है केमिकली कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड बनता है. लेकिन वो जो केमिकल रिएक्शन है उन एलिमेंट्स की फिक्स रेशियो में होना चाहिए. हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर है आपके पास H2O. अब ये एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों एटम्स के रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है. अब इसके अंदर अगर हम फिक्स रेशियो देखते हैं हम कहते हैं क्योंकि कंपाउंड जो है वो फिक्स रेशियो होनी चाहिए. तो इसके अंदर इनकी फिक्स रेशियो होती है या नहीं? हाइड्रोजन है यहां पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है. तो आप देख सकते हैं कि ये फिक्स रेशियो में है. अगर यहां पर हाइड्रोजन टू की जगह थ्री हो जाते हैं अगर हम इस तरह से लिखें H3O तो ये वाटर नहीं होता ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है यानी कि कोई और चीज बन जाएगी. फिक्स रेशियो होनी चाहिए. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, एटम्स 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाता है 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 वन्स आर 2 एंड 2 एट्स आर 16 तो ये 1:8 ये इनकी फिक्स रेशियो बनती है. वाटर जब बनता है H2O एक कंपाउंड है तो इनके अंदर एटम्स की फिक्स रेशियो होगी. तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन थी और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी कि कंपाउंड होता क्या है. कंपाउंड एक ऐसी केमिकल स्पीशी है जो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स के केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है जिनके अंदर उन एलिमेंट्स की और एटम्स की फिक्स रेशियो होनी चाहिए तो वो कंपाउंड कहलाएगा. कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है जब ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनके केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है वाटर H2O. अब जो कंपाउंड के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे वो कंपाउंड बन रहा होता है जैसे कि यहां पर है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये इसके सब्स्टिट्यूएंट हैं इनके केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में वाटर बन रहा है यानी कि कंपाउंड बन रहा है. तो जिन सब्स्टिट्यूएंट से कोई भी कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनाने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं. उनकी कोई प्रॉपर्टीज उसमें शो नहीं होती. जस्ट जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है. जैसे कि अगर हम देखें ये इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन भी एक गैस है ऑक्सीजन भी एक गैस है. अब ये दोनों इसके सब्स्टिट्यूएंट्स थे इन गैसेस ने मिलकर आपस में केमिकल रिएक्शन करने के बाद वाटर बनाया जबकि वाटर एक लिक्विड है. तो वाटर अगर हम देखें तो उसमें किसी गैस की प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं आती ना हाइड्रोजन की आती है ना ही ऑक्सीजन की आती है क्योंकि वो उसके सब्सटेंट थे. जब ये सब्सटेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे और कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा जैसे कि यहां पर ये लिक्विड है. वाटर अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा उसके मेल्टिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो कंपाउंड की शो होंगी उसके सब्सटेंट की नहीं होंगी. कंपाउंड्स की दो टाइप्स होती हैं एक है आयनिक कंपाउंड्स
आयनिक कंपाउंड्स एंड सेकंड है कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके दरमियान, उनके दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड होगा वो केमिकल बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। यानी कि कोई से दो आइटम्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम है और क्लोरीन है, ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जितनी हमने प्रॉपर्टीज पहले देखी या जो पॉइंट्स हमने कंपाउंड्स के पहले देखे, अगर हम उसको दोबारा से देखें, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है, इनके रिएक्शन से जो बनता है सोडियम क्लोराइड वो एक सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है, टेबल साल्ट जिसको हम घरों में खाने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो हमने वो देखा कि जो हमने कहा था कि इसके सब्सटेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे, जबकि जो कंपाउंड बनेगा वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। यहां पर ये सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बना, इसने अपनी प्रॉपर्टीज शो करना स्टार्ट कर दी। अब आयनिक कंपाउंड्स को हम देख रहे थे कि ये इनके दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक कंपाउंड होगा। सोडियम क्योंकि एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, तो सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था क्या होता है। तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो ये सोडियम जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है। जब सोडियम क्लोरीन को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो बन गए हैं क्लोरीन और सोडियम, इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ गए। अब ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्डिंग की वजह से जो कंपाउंड बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। सेकेंड टाइप है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके सब्सटिट्यूएंट्स के जो केमिकल बॉन्ड है उनके दरमियान में वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। केमिकल बॉन्डिंग जो होगी उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, इन दोनों को अपने डुप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास पहले वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग की वजह से बनता है H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया, सिंपल सी एग्जाम्पल लिया है कि अपना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए आपस में शेयरिंग करते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, जैसे कि कार्बन है एंड हाइड्रोजन फॉर CH4, ये होता है मीथेन। मीथेन ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बॉन्डिंग देखें, कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन एंड ये 4 हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर और एक सिर्फ कार्बन होता है। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया। इसी तरह से सारे के सारे हाइड्रोजन जो होंगे वो शेयरिंग से अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे और उनका डुप्लेट रूल कंप्लीट होगा और वो स्टेबल हो गए। अब कार्बन है, जैसे कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में और 4 हाइड्रोजन से उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो वो टोटल हो गए 8 और उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें कार्बन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, जबकि हाइड्रोजन का डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया। डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने की वजह से ये स्टेबल हो गया,
और इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना है, ये जो केमिकल बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्डिंग के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड।